माता बैठी हुई है, परंतु तुम्हारे दिल में क्या है और क्या पूछना चाहते हो? तुम्हें परवान चाहिए? यहां परमान लो, देखो उसमें क्या क्या लिखा है और क्या है। जितने छत्री है सबकी दस्तखत है, उधर का भी दस्तखत है कि बेटा रे एक राजा का दस्तखत नहीं है। वही तो देख रहा हूं, वह राजा की दस्तखत क्यों नहीं है? एक राजा का दस्तखत नहीं है, पूरे गांव में तो जी सब समाज एक तरफ है, एक आदमी से कुछ होगा? हे माते, 10 क्विंटल दूध में अगर एक बूंद खटाई रख दे तो दूध फट जाती है, परंतु एक छत्री दस्तखत नहीं किया, उसका नाम है सियावान, जो उदल का भांजा है। हाँ मेरे लाल, वो तो इस राज से परे है, दूसरे जगह है, चलो उसको पता भी नहीं चला है, तो दस्तखत नहीं किया है, खबर नहीं दिया है। चलो ठीक है, जाओ, परंतु जब मैं याद करूंगा तब तुम आ जाना। जब तुम याद करोगे मैं आ जाऊंगी। धन हो मां, कल्याण हो मेरे लाल, अब मैं जा रही हूं। जब तक मैं इससे जगाऊंगा नहीं तब तक प्रहार नहीं करूंगा। मैं महाराज से आई हूँ, गंगा
महिपाला का पुत्री। देखिए मैं महिपाला सिंह को लड़की हूँ और करण सिंह को बहन, मेरी नाम भूला है। अब किस लिए मेरे नाम से कान पूछ रहे हैं, कारण क्या है? और माँ दुर्गा कहे बेटी कुछ दिन कुछ कोई कारण नहीं है। जब जंगल में तुम्हारे रूप को देखा तो बहुत पुरानी बात दिन की बात याद करो जिस दिन मेरे ऊपर में फीका चढ़ा था। मेरा ही नाम है मेघा सिंह, उसी का राजा जो प्रथम टीका तुम्हारी मेरे ऊपर चढ़ा था, याद है कि नहीं? देखिए मेरे पूरे बात याद है। इस समय मेरे प्राणनाथ राजमहल से चल के राजमुरंग में आए। मेरे प्राणनाथ के भाई से आप मोरंग राज छोड़ के भागे श्री में। भागा नहीं था वो, स्वयं जब हवाहाम हुई तो जितने राजा थे अपने अपने राष्ट्र को प्रस्थान कर लिए। तुम्हारी मोरंग में चंदन का पेड़ बहुत बड़ी है, उस पेड़ पर बैठकर मैं सारे तमाशा देख रहा था। वह दिन की बातें मैं नहीं भूला हूं मोरंग वाली, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो और राज रानी नहीं पटरानी बनकर चलो मेरे उसरी में रहो। देखो मेघा सिंह, मेरे प्राणनाथ राज मोहपाल सिंह ने काला कर दिया है तो मैं आपको साथ में शादी कर लूं। हाँ हाँ, राज उसी में जाऊं। हाँ हाँ, रे यागा हमला जाते बा Yeah.
तुम पे लगे तो वो कोई और इस्तेमाल करूं मैं, जो भी कुछ हो जाए मैं कभी ना उसी में कभी नहीं रहूं, कभी नहीं रहोगी ये पता हम लूट लेंगे।